हेलो यार, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? अब हम लोग वर्ल्ड कप हारे, बहुत बुरा हुआ, और फाइनली अब वक्त आ गया था कि वर्ल्ड कप से कंटेंट खींचना बंद कर दिया जाता। और मैं भी किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन एंड टाइम पे, बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने कहा कि एक दफा देखूं तो सही कि हमारा हकीकत टीवी प्रो मैक्स अल्ट्रा वर्जन कहां तक पहुंचा है। तो मैंने सर्च किया मोहम्मद रिजवान के 6 लगातार 350 मीटर लंबे छक्के। 500 मीटर ही कर देते यार, आधा किलोमीटर पूरा ही हो जाता। रिजवान ने दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया और पाकिस्तान फाइनल में भी पहुंच गया। काश पहुंच जाता, पहली बार मैं कह रहा हूं इस भाई की, काश कोई वीडियो सही होती। खैर तो चलो फिर प्ले करते हैं वीडियो को। नाइस। इन्हीं के यहाँ से हमें ये तो पता चल जाता है कि झूठ बोलने से आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं होता। और लंबे तरीन छक्कों ने ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स को हैरान कर दिया और वो बॉलिंग करना भूल गए। दोस्तों मोहम्मद रिजवान ने बॉलिंग करना भूल गए भाई, बॉलिंग करना भूल गए। दोस्तों स्टार्क ने जब मोहम्मद रिजवान से पंगा लिया तो उस वक्त मोहम्मद रिजवान काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। पंगा लिया है यार, रेसलिंग चल रही है, पंगा लिया यार, क्या चल रहा है। स्टार्क ने जैसे ही मोहम्मद रिजवान को बाउंसर दे दिया, उसी वक्त स्टार्क ने मोहम्मद रिजवान से कहा कि बेटा तेरी खेलने की उम्र अब जा चुकी है। लेकिन बेटा तेरे खेलने की उम्र जा चुकी है। नाइस। इसको उसने घर आके बताया था कि मैं रिजवान को ये कहने लगा हूं। मैं पक्का कह सकता हूं जो बंदा ये वीडियो बना रहा है उसको इंग्लिश सही तरह समझ नहीं आती होगी, और इसको इधर घर बैठे टीवी में स्टार्क के इंग्लिश के डायलॉग समझ आ रहे हैं जो कि उसने रिजवान को कहे भी नहीं थे। साथ में बहुत बड़े लंबे तारीखी चक्कर भी बना डाले। दोस्तों मोहम्मद रिजवान के इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम जैसे ही कोई नई वीडियो नहीं यार प्लीज ना करो फ्यूचर में अपलोड आप लोग। ये एक वीडियो मैं इधर भी देख रहा हूँ, शुएब मलिक के 6 लगातार 300 मीटर लंबे छक्के। शुएब मलिक के छक्के देख के ग्राउंड में मौजूद सानिया मिर्जा की आंखें बाहर आ गई। उसकी आंखें क्यों बाहर आएंगी भाई? अगर खुशी होगी ना किसी को तो सबसे ज्यादा उसको होगी, क्योंकि वो बीवी है उसकी। आप उसकी आंखें बाहर निकालने को फिर रहे हो। फखर जमान ने दुनिया का सबसे लंबा 400 मीटर छक्का लगा लिया। फखर जमान के तारीखी छक्के पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया। जैसे जैसे पाकिस्तानी टीम बैटिंग कर रही थी ना, रिजवान आया, फिर फखर जमान आया, ये बंदा वैसे वैसे वीडियोस बना के अपलोड कर ही जा रहा था। और बाकी कोई रिकॉर्ड टूटे ना टूटे, ये बंदा हर वीडियो में अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा था। पिछले मैच में शुएब मलिक से 300 मीटर लंबा छक्का लगवाया, रिजवान से 350 मीटर लंबा छक्का लगवाया, और उसके बाद फखर से 400 मीटर लंबा छक्का। नाइस। स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही गरूर वाला बॉलर है, उनको नानी याद दिला दी और जबरदस्त छक्के लगाकर पाकिस्तान। अच्छा, उसने इसको बिजनेस को बताया फोन करके, भाई यार नानी बड़ी याद आ रही है यार, मैं क्या करूं। पूरे टूर्नामेंट में फखर जमान कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखा रहे थे। इसी तरह हमारी जिंदगी में आपकी वीडियो ने कोई खास असर दिखाया नहीं है भाई, इतना टाइम लगा के कुछ बना रहे तो कोई अच्छा कंटेंट बना लो। लेकिन इतने बड़े सेमीफाइनल मैच में फखर जमान ने ये ऐसी कारकर्दगी दिखाई कि पाकिस्तान हारा हुआ मैच और फंसा हुआ मैच जितवा दिया। फंसा किधर था भाई, अभी हम बैटिंग कर रहे थे, फंस कहाँ से गया? वो तो बाद में पता चलता था कि हाँ मैच फंसा है नहीं फंसा। इस बंदे ने अभी ऑस्ट्रेलिया की बारी भी नहीं आने दी, फर्स्ट इनिंग्स में मैच को फंसवा दिया। दोस्तों रिजवान की जबरदस्त इनिंग्स ने पाकिस्तानियों को इस बात पर मजबूर कर दिया कि इंशाल्लाह अब पाकिस्तान से वर्ल्ड कप कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान से वर्ल्ड कप कोई नहीं जीत सकता। पाकिस्तान को मजबूर कर दिया इस बंदे के अपने अल्फाज इसके साथ इत्तेफाक नहीं कर रहे, इसको हमने क्या कहना है? देखो मैंने कहा था ना, जैसे जैसे पाकिस्तान की टीम खेल रही है ये बंदा भी अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर ही जा रहा है। पहले हम लोग बैटिंग कर रहे थे तो मोहम्मद रिजवान और फखर की बात चल रही थी, अब क्योंकि हम लोग बॉलिंग कर रहे हैं तो शादाब खान ने 17 नए रिकॉर्ड बना लिए, तारीख की बेहतरीन गेंदबाजी। शादाब ने पाकिस्तान को नामुमकिन मैच जितवा दिया, लेकिन वो तो अभी फखर ने नहीं जितवाया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। अगर देखा जाए तो इस मैच में शादाब खान ने पाकिस्तान क्या 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 रख दिया और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में कैसे पहुंचाया भाई? सेमीफाइनल तो वो लोग खेल रहे थे, फाइनल में जाना था हमने भाई, सेमीफाइनल हम लोग खेल रहे थे यार। कंटेंट क्रिएटर शॉन मॉर्श को आउट किया, जितने भी टॉप के ऑर्डर बल्लेबाज थे उन सबको आउट किया। दोस्तों टॉप के ऑर्डर बल्लेबाज भाई, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, टॉप के ऑर्डर। इस वीडियो को चलो यार लाइक करना, जिधर इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हो उधर ये भी बर्दाश्त कर लो। खैर आगे बढ़ने से पहले वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय यूट्यूब चैनल नोमी ओपी। जी हाँ, सो ये लड़का बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा था, बता रहा था कि कोई मास्टरनेस से भरी हुई गेम्स अपलोड करता है इधर, तो जाना जाके इसका चैनल जरूर चेकआउट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कैच छोड़ने पर, हाँ अब कैच छूट गया, अब हम लोग आखिरी ओवर्स में आ चुके हैं मैच के। कैच छोड़ने पर बाबर आजम और हसन अली के दरमियान खतरनाक लड़ाई हो गई, तेरी वजह से हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, बाबर आजम गुस्से से फट पड़े। सोच रहा हूँ मैं श्रद्धा कपूर की क्या हालत की होगी, इस बंदे ने बाबर आजम को इतना गुस्सा दिला दिया। यानी नमक हरामी तो देखिए, पूरे टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं किया, लेकिन आखिर में तो ये कैच आपको
पकड़ना चाहिए था भाई, प्लीज पूरे पाकिस्तान को भाई, प्लीज। मैं भी यही आपको कह रहा हूँ भाई, प्लीज खुदा माफी कर लो यार, कोई ना ऐसे किया करो। पता नहीं यार इतना टॉप लेवल का कंटेंट ये बंदा सोचता कैसे है यार, ये कैच छूट जाना, इस तरह हम मिस फील्डिंग हो जाना, ये तो गेम का एक हिस्सा है ना, गेम में होता क्या है, हार या जीत। अब कोई बात नहीं, खरे एक दफा हार गए तो हार के क्या कर सकते हैं, पूरी हार पे सिर्फ एक बंदे को ब्लेम करना तो बेवकूफी है ना यार। लेकिन हाँ, इस बंदे के सामने क्या बेवकूफी की बात करनी। आगे एक और थंबनेल आ गई, इमरान खान ने हसन अली को फांसी की सजा सुना दी, हसन अली को जीने का कोई हक नहीं, इसने जानबूझकर मैच हरवाया यार। दोस्तों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीसीबी को हिदायत की भाई, 50 सेकंड की वीडियो हो गया कि 16 सेकंड की वीडियो रह गई आपकी, मुझे ये बताओ कि फांसी का क्या बना है कि हसन अली के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए। बहुत ज्यादा हम लोगों ने सीरियस बातें सुन ली हैं, अब आते हैं हम श्रद्धा कपूर वाली साइड पे। नहीं जाता। Okay. पाकिस्तान की हार पर श्रद्धा कपूर रो पड़ी और बाबर आजम के बारे में जबरदस्त बयान दे दिया। बाबर आजम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, दिल छोटा मत करो। ओके, लेकिन आपकी वीडियो देख के हमारा जो दिल छोटा होने वाला ना वो भी मुझे पता। इस वक्त एक ही अदाकारा है जो बाबर आजम पर मर मिटती, जो बाबर आजम पर, ओके वो है श्रद्धा कपूर। और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि श्रद्धा कपूर तो बाबर आजम पर मर मिट रही है, वो उनकी दीवानी हो चुकी, क्या बाबर आजम को बताओ जी, इनको मिर मिट रही है श्रद्धा कपूर बाबर आजम पे, मिर मिट गई हैं और पता नहीं क्या क्या हो गया श्रद्धा कपूर को। श्रद्धा कपूर से शादी कर लेनी चाहिए हमें। चलो जी, अभी वो मैच की तो सुलझा लो भाई, शादी को पहले अंदर ले आए हो यार, क्या कर रहे हो यार। आप लोग भी बताओ कमेंट्स में कि आप लोग मेरे ऊपर मिर मिटे हो कि नहीं। उन्होंने बाबर आजम को तसल्ली देते हुए कहा कि बाबर देखो ये पहला मैच है और तुम लोगों ने अच्छा खेल खेला, तो दिल छोटा मत करो आगे। अच्छा मुझे ना, अच्छा मुझे एक बात ऐसी आ रही है, वैसे बंदा बाबर आजम करता रहता है, लेकिन जैसे ही वो श्रद्धा कपूर की तरफ से आता है तो फौरन बाबर पे आ जाता है। ये जो शिफ्ट दिखा रहा है ना, ये बंदा लव साइड और प्रोफेशनल साइड पे, क्योंकि इस वीडियो में तो न्यूज रिपोर्टर भी यही बंदा है और श्रद्धा कपूर भी यही है, अपने हिसाब से बयान दिलवा लेता है श्रद्धा कपूर से। वो तस्वीर देते हुए कहा कि बाबर देखो ये पहला मैच है, बाबर ये पहला मैच है। तो श्रद्धा कपूर के लिए हम इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप जरूर इस वीडियो को, श्रद्धा कपूर के लिए वीडियो को लाइक करो, कतरीना कैफ के लिए भी कर दो, जो जो पसंद है सबके लिए वीडियो को लाइक कर दो। क्या तरीका है इस बंदे का लाइक मांगने का, ठीक है मुझे पता है हम लोग अजीब अजीब तरीके आजमाते होते हैं वीडियो लाइक करवाने के, लेकिन भाई ये बंदा नेक्स्ट लेवल है। पाकिस्तान की हार पर शाहीन अफरीदी की बेगम इंशा अफरीदी रोते हुए पैगाम जारी कर दिया, मुझे अपने शोहर शाहीन अफरीदी से ऐसी उम्मीद थी यार, शोहर ही बना दिया यार। इंशा अफरीदी का कहना था कि जब आगे बात मेन बात आ गई, ओवर में ऑस्ट्रेलिया के जबरदस्त खिलाड़ी को आउट किया और मुझे ऐसा लगा कि हम फाइनल में जीत जाएंगे, और फाइनल 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 में नहीं जीतना, सेमीफाइनल में जीतना था, उसके बाद फाइनल खेलना था, फाइनल तक पहुंच भी जाएंगे, लेकिन जब अच्छा फाइनल में जीता, आगे फाइनल में ही पहुंचा रहा है, गुड वेरी गुड। तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी और मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि मेरा मुल्क मैच हार गया और वो भी मेरे पति की वजह से। दोस्तों मेरे पति की वजह से, यार ये बंदा क्या है यार, भाई शोहर कह ले यार, ये श्रद्धा कपूर वाली वीडियो नहीं है, वो पिछली वीडियो थी उसमें पति कह सकता था तू। हसन अली पाकिस्तान छोड़कर हमारी टीम में शामिल हो जाओ, विराट कोहली ने हसन अली को भारतीय टीम में शामिल होने की दावत दे दी। विराट कोहली ने हसन अली के बारे में और हसन अली को बहुत बड़ी उन्होंने ऑफर दे दी है अपनी टीम में शामिल होने, ऊपर दी है ऊपर, आप लोगों को भी ऊपर चाहिए, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, सबको एक एक ऊपर मिलेगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को छोड़कर तुम इंडिया आ जाओ और इंडियन टीम में मैं तुम्हें बहुत बड़ा रुतबा दूंगा और बहुत बड़ा मकाम दूंगा। भाई कैसे रुतबा देगा, वो तो खुद बेचारा अपने रुतबे से हट गए। दोस्तों ये ऑफिशियली तौर पर विराट कोहली ने हसन अली को खुफिया तौर पर हसन अली को दावतनामा सेंड, ऑफिशियली तौर पर विराट कोहली ने हसन अली को खुफिया तौर पर, एक मुनफरिद मालूमाती यूट्यूब चैनल, वाकई यार बहुत मुनफरिद है ये चैनल जो मालूमात दे रहा होता है ना, ये चैनल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, जिन बंदों के बारे में मालूमात दे रहा होता है उनसे भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता कि उन्होंने ये कहा कब है। खैर जो होना था वो तो हो गया, हम लोग फाइनल से बाहर हो गए, इस बात का दुख तो है लेकिन अफसोस नहीं है, क्योंकि यार देखो हम लोग लड़के बाहर हो गए, ऐसे नहीं हुआ था कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को मैच ऐसे प्लेट में रख के दे दिया था, मैच के एंड तक उनके भी रंग उड़े हुए थे, हम लोगों की थोड़ी सी बैड लक हो गई और उनकी लक चल गई, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ आप लोगों ने ये बात
नोट किया कि मैच हारने के बाद भी पटाखे वगैरह चल रहे थे हमारे इधर। उसकी वजह मैं बताता हूँ, हमारी माम को क्या समझी बैठी थी कि हम लोगों ने जीत जाना है, इस तरह पटाखे खरीद के लाए थे ना जैसे पूरे खानदान के लड़कों की शादी आज ही हो। फिर हुआ ही है कि पाकिस्तान मैच हार गया, वो पटाखे कहीं तो चला रहे थे तो इन्होंने पाकिस्तान के हारने भी चला दिए। खैर सो फाइनली आज वर्ल्ड कप से कंटेंट एंड होता है, बस फिर चलता हूँ मैं भी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बस वीडियो को करना है लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता तो सब्सक्राइब करो यार, कर दो, फ्री है, कुछ भी नहीं लग रहा। और हाँ, जिस जिसको जो जो पसंद है ना, कैटरीना कैफ, श्रद्धा कपूर और कौन होती थी याद नहीं आ रही, खैर जो जो भी है ना, उन सबके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर वीडियो देख के जिंदगी में सुकून आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सुकून लेने का हक हर बंदे का है। बस चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।